हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज हमारे पास यहाँ पे हुंडई की क्रेटा आई हुई है जो कि बेस मॉडल है। इसके अंदर हमने पहले ही बहुत सारा काम कर चुके हैं और आज जो काम होने वाला है इसमें, इसके अंदर LEDs लगाएंगे, हैंडल क्रोम आपको दिख रहे होंगे, हैंडल क्रोम इंस्टॉल करने वाले हैं और साथ ही में जो इसके फॉग लैंप्स के लिए भी हमने पूरा बम्पर जो है ओपन कर दिया है, तो फॉग लैंप्स अभी जो है यहाँ पे अभी हम लगाएंगे। यहाँ पे जो है अभी हमने पूरा इसका बम्पर जो है पूरा ओपन कर लिया है और पूरा फॉग लैंप्स लगा रहे हैं। तो दीप भाई क्या कर रहे हैं आप? भाई कर तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? नहीं नहीं करेंगे, करेंगे, देखते हैं वीडियो बकायदा। हाँ हाँ कॉल भी करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं भाई। नहीं नहीं, अब सब्सक्राइब तो करना चाहिए ना यार। सब्सक्राइब करेंगे, सब लोग सब्सक्राइब करेंगे, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। देव भैया काफी मेहनत करते हैं, सब छोटी मोटी चीजें आपको लगती होंगी हम 5 मिनट वीडियो बना देते हैं लेकिन उसके लिए असली मेहनत देखी जाए तो देव भाई 2 से 3 घंटा एक गाड़ी के अंदर मिनिमम तो जाते ही जाता है भाई। हाथ कट जाते हैं, पसीना बहता है, खून निकल आता है, तो ये सब चीजें करते हैं। तो प्लीज सर, अगर आप लोग देख रहे हैं अच्छा लग रहा है, अगर आपको वीडियो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर हो रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो अब पूरा काम जो है अभी करना शुरू करते हैं। इसमें जो आप देखते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, इस तरीके का एक इंडिकेटर के लिए आता है, इंडिकेटर का ये निकाल के इसमें जो है पूरा फॉग लैंप्स का भी लगाएंगे। उनके जेन्युइन पार्ट्स हैं जो इसके अंदर अभी हम इंस्टॉल करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ये हुंडई जेन्युइन का पूरा पार्ट है और ये जो है फॉग लैंप्स जो है अभी इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो प्लीज कंटिन्यू रखिएगा और देखते रहिए। तो यहाँ पे जो है हमने इसके फॉग लैंप्स जो है पूरे इसके अंदर कस दिए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे फॉग लैंप्स भी अभी हम आपको चालू करके दिखाएंगे। पूरे हेडलाइट्स के अंदर LED लगाई है, इसके अंदर अभी हमने LED नहीं लगाई, इसको अगले स्टेप पे हम कंप्लीट करेंगे जब अगली बार भैया आएंगे। तो जी ताकि कोहरा काटे इसलिए मैं LED लगाई नीचे फॉग लैंप। अच्छा, अभी ठंड का मौसम है इसलिए एक सीजन निकल जाए उसके बाद अपन ये लगा सकते हैं। तो अभी हम चालू करके दिखाते हैं आपको यहाँ से। तो सबसे पहले जो है इसकी आपको हेडलाइट का पावर दिखाएंगे चेक करके। जी हाँ, तो फॉग लैंप खोल दीजिए, ये देख लीजिए फॉग लैंप्स जो है ऑन हो चुके हैं। एक बार इंडिकेटर भी दे दीजिएगा भैया, यहाँ पे आप इंडिकेटर भी चेक कर सकते हैं, इस साइड का भी दीजिएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोनों फॉग लैंप्स चालू कर दिए हैं, ओरिजिनल फॉग लैंप्स लगा दिए हैं। अब हम आपको जो है इसका जो LED है वो दिखाते हैं चला के। ये ब्लॉपंग की LED है, 110 वॉट्स के अंदर आती है पूरी। और अभी खैर डे टाइमिंग है तो आपको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा लेकिन काफ़ी ब्राइटर है ये, तो जो रात में इसको ड्राइव करेंगे तो आपको इसमें पता पड़ेगा कि कितनी ब्राइट करती है ये। यहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कितनी ब्राइटर है ये। इसी के साथ ही इसके अंदर जो है हमने सनग्लास होल्डर भी आज इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम आपको वो भी दिखाना चाहेंगे। इस गाड़ी में काफ़ी दिन पहले हमने पूरा काम किया था और जो प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं उसका भी हम आपको रिव्यू दे देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे जो सीट कवर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे स्टेयरिंग कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल लगाया गया था, ये आप देख सकते हैं स्टेयरिंग जो है पूरा स्टिच करके इसमें लगाया हुआ था। यहाँ पे सनग्लास होल्डर लगाया हुआ है, वाइट LEDs इसके अंदर हमने इंस्टॉल कर दी है पूरी। अभी गेट ओपन है इसलिए ये जल रही है, यहाँ पे हम गेट बंद कर देंगे और ये क्लोज़ हो जाएंगी। तो ये जो है आप देख सकते हैं पूरा इंस्टॉल कर दिया है, ये भी ओरिजिनल जेन्युइन हुंडई ही लगाया है हमने। इसी के साथ ही यहाँ पे आप प्लेयर देख सकते हैं, सोनी का प्लेयर लगाया हुआ था हमने, पूरी मैट्स वगैरह जो हैं। और अभी भैया से रिव्यू लेते हैं जो हमने काम किया था वो कितना रिलायबल है, कितना सही है, या फिर कुछ ख़राबी तो नहीं आई है किसी भी काम में। तो आइए चलते हैं भैया के पास और भैया से इसका रिव्यू लेते हैं। तो भैया अपन ने जैसे काम किया था काफ़ी टाइम हो गया, लगभग कितने महीने हो गए होंगे? छः महीने पूरे हो गए। तो आपको कोई दिक्कत, कुछ इशू आया गाड़ी के अंदर काम कर रहा था? अभी तक एक भी दिक्कत नहीं आई, थोड़ी अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। और काम आपको सही लगा? सही लगा, जब तो मैं दोबारा आया हूँ। तो आप जैसे कि सुना होगा आपने, सारी चीज़ें जितनी भी लगाई थी सब बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही हैं, ब्रांडेड परफेक्ट जी, पूरा हुंडई का ही लगाया था। जो भी लगाते हैं और जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं सब ब्रांडेड यूज़ करते हैं, ताकि ना कस्टमर को प्रॉब्लम आए ना हमको प्रॉब्लम आए। अभी भी जो LED लगाई है 2 ईयर वारंटीज़ के साथ हमने जो है इसके अंदर इंस्टॉल करी हुई है और पूरा काम अभी भी पूरा वापस से करके दे रहे हैं इनको। जो काम इनका पेंडिंग है, अभी भी 2-4 काम पेंडिंग है इनके, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये जो मिरर है ये क्लोजेबल नहीं है, ये अपन जो है ऑटो फोल्ड लगाएंगे। रूफ रेल्स नहीं दिख रही होगी आपको, ऊपर शार्क फिन एंटीना नहीं दिख रहा होगा, तो ये सब छोटे मोटे काम हैं वो भी हम करेंगे। आज हमने हैंडल क्रोम भी इसके अंदर जो है इंस्टॉल कर दिए हैं, आप देख सकते हैं ये भी जो है CN लिख के है, ना इसमें आपका कभी हाथ कटेगा ना इसकी पॉलिश निकलेगी, बहुत ही अच्छा ब्रांड का है। और जैसी शाइनिंग आपको आज दिख रही है ऐसी शाइनिंग जो है ये कंटिन्यू रहती है इसमें,
और बिल्कुल इसी तरीके के प्रोडक्ट्स जो हैं हम अपनी गाड़ियों में यूज़ करते हैं। और इस गाड़ी को भी पूरा भी हमने कंप्लीट कर दिया है, अब ये गाड़ी भी जाने वाली है। एक गाड़ी और खड़ी हुई टिगोर, इसके अंदर डैम्पिंग का काम चल रहा है। अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। इसी तरीके से हम आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद।